आ जाएंगे ना सही। ऐसे करके इनको निकालते हैं भाई। से माशाल्लाह यार, से माशाल्लाह। ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए, शर्माए ना, अपना ही खा रहा है। यहाँ पर काफी सारे आपको अंडे वगैरह नजर आ जाएंगे और नीचे आपको बच्चे नजर आ जाएंगे। यहाँ पर चार इस बकेट में है, आगे चार और पड़े हैं, एक मेल और तीन फीमेल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN Entertainment। ऑस्ट्रिच की माशाल्लाह से हैचिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। मेल फीमेल आपको दिखाता हूँ, आप लेना चाहते हैं वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, एंड पे जाके इनका शेयर करेंगे किस तरह से आप लोग ले सकते हैं। तो वन बाय वन करके दिखाता हूँ, जिसको जो पसंद हो स्क्रीनशॉट भेजें शकील भाई को, रब्ता करें। अच्छा, फिलहाल इनको वहाँ पर छोड़ दें जहाँ पर बाकी बच्चे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है। देखते हैं कितने निकले हैं। इस बकेट में अभी तीन मेल और दो फीमेल है नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पे इसको रिलीज करते हैं जाके। यहाँ पर इस टाइम सिर्फ तीन मेल फिर रहे हैं बाहर, बाकी तीन मेल और छोड़ते हैं, तीन फीमेल्स वहां पे बंद हैं, वो छोड़ते हैं। और एक बच्चा मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल में रिलीज करवाया, वहां पर रेस्क्यू किया है, बड़े ऑस्ट्रिच में चला गया हुआ था, बाहर से छुड़ा के लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेल गया और भागता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। आ जाएंगे ना सही, ऐसे करके इनको निकालते हैं भाई। से माशाल्लाह यार, से माशाल्लाह। अभी आपको सब से पहली हैचिंग जो कि 10 से 12 दिन के बच्चे हैं वो दिखाते हैं। एक ये लगी हुई है मशीन इंक्यूबेटर, यहाँ पर कितने लगे हुए इस टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे लगे हुए हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग अपना शूज उतार के जाएंगे। हम लोग आ गए हैं क्या करें, हैचर के पास। ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए, शर्माए ना, अपना ही खा रहा है। यहाँ पर काफी सारे आपको अंडे वगैरह नजर आ जाएंगे और नीचे आपको बच्चे नजर आ जाएंगे। यहाँ पर चार इस बकेट में है, आगे चार और पड़े हैं, एक मेल तीन फीमेल हैं यहाँ पर हमारे पास हैं। इनको हम लोग उधर रिलीज करेंगे एक महीने वाले बच्चों के अंदर, इनको यहाँ पे छोड़ के दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक महीने वाले बच्चे भी दिखाता हूँ और उसके बाद आपको ब्रीडर भी दिखाता हूँ कि ब्रीडर कौन से है यहाँ पर, किसके बच्चे निकल रहे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके इनको भी छोड़ते हैं बाहर। हम लोग मेल को निकालेंगे क्योंकि मेल है थोड़ा यूनिक, एक ही है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा है, प्यारा है ना फीमेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैठ गई है वो भी निकलते ही। पीछे फीमेल, फिर से फीमेल। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं भाईजान, एक मेल और तीन फीमेल। सामने से दिखाएं जरा आके प्लीज़। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेल और तीन फीमेल हैं। अच्छा, अभी क्या सीन है कि बच्चे आप लोगों को हैचरी दिखा दी है, उन्होंने कपड़े मेरे गंदे कर दिए थे। अब आए हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़े बड़े बच्चे हैं, उसके बाद आपको शकील भाई से मिलवाते हैं। अभी यहाँ आपको बच्चे दिखाते हैं। कि अगर मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो HSN Entertainment को सब्सक्राइब करो भाई। फुल दिल से, फुल जान से, फुल मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनती हैं। तो अब उस तरफ चलते हैं, कमरा नंबर 2। यहाँ पे मछलियों का भी एक इन्होंने सेटअप लगाया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया, जगह दे दी है इन्होंने, और ये अब आगे लेके जा रहे हैं। तो नए फार्म का पूछते हैं, कहाँ पे नया फार्म बनवा रहे हैं। यहाँ पर आपको मछलियाँ नज़र आ रहे हैं, बच्चे वगैरह ऑफिस के। इसमें ब्लैक वाले मेल हैं, अब एक ही पीस फिलहाल ब्लैक का नजर आ रहा है, ये ब्लैक वाला मेल है, बाकी फीमेल जो आपको नजर आ रही है इसके अंदर। अब बच्चे आप दोस्तों के लिए, अगर किसी को पसंद हो, किसी की सेटअप में आते हो, तो यहाँ पर पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म भी आके आप लोग इनसे रब्ता करके ये चीजें लेके जा सकते हैं अपने शौक के लिए, कि हम लोग भी शौक करें। देखो, हम HSN आपको ये नहीं कहता कारोबार करो, हर दूसरा बंदा कारोबार कर रहा, हम खाली शौक का कह रहे हैं, जिन्हें शौक करना हो शौक के लिए आप लेके जा सकते हैं। ये वाली एक्चुअली के अंदर अपने बच्चे देख लिए, छोटा साइज, उससे बड़ा साइज, अब बड़े वाला साइज के, जो मतलब इनके पास मैक्सिमम जो साइज है वो दिखाने लगे हैं। और उसके बाद आपको ब्रीडर दिखाते हैं कि भाई ये बड़े हो गए इतने साइज के बन जाएंगे। आज ये दिखाते हैं साथ, इसके अंदर मछलियों का इन्होंने ब्रीडिंग सेटअप लगाया हुआ है, उसके ऊपर अलहदा से वीडियो आएगी। यहाँ पर आपको नजर तो आ जाएंगे, लेकिन अंदर जाके पहले बच्चे दिखाते हैं आपको। आ जाए, अभी जरा गंदे हुए हुए हैं, तहाना वाले हुए हुए हैं, बारिशें हो रही हैं कीचड़ वगैरह की वजह से, लेकिन से माशाल्लाह आपके सामने हैं और ये खतरे से बाहर आ चुके हुए हैं, बीमारियों से बाहर आ चुके हैं। तो ये सारे भी आपके शौक के लिए हैं,
अगर किसी को शौक करना हो तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये ब्लैक वाले मेन है, ये इसमें कुछ होते हैं जो कलर टोकर नहीं चेंज करते, मेल फीमेल का नहीं पता चलता, लेकिन जो जेट ब्लैक होते हैं मेल होते हैं। शोर पीछे बहुत ज़्यादा होगा मशीनरी का, उसके लिए मैं माफ़ करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मेरे पास से ना हाथ से आगे खाएं, लेकिन मेरी शर्ट का कलर बहुत डार्क है तो इसलिए वैसे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। अच्छा ये बजरी है, काफ़ी लोगों को इस बात में ना थोड़ी सी हैरानगी होती थी कि वाकई डलती है बजरी, तो भाईजान ये वाकई डलती है बजरी इनको खाने में। मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ, वो ये तो थोड़ी छोटी है, लेकिन जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो बड़ी बड़ी खाते हैं, पूरे पूरे बड़े बजरी का खाने तूने खा लेते हैं। ये भी बिल्कुल हाथ पे नहीं लगे हमें। अब इनके ब्रीडर्स की तरफ चलते हैं, आपको ब्रीडर्स दिखाते हैं। अब ओके ये वापस जा रहा है शायद मेरे से डर के, मैं इसको इधर बुलाता हूँ। कोई तकरीबन 9 फीट का होगा, सलामी क्या साइज होगा जो गया अभी मेल? तकरीबन 9 फुट का तो है, 9 फीट का या 9 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। वो भी वापस चला गया जो कि बहुत एक डरावना था। और मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि काफी सारे लोग ये कहते हैं ऑस्ट्रिच एक बेवकूफ जानवर है, कुछ नहीं करता, तो भाईजान ये अपने बच्चों की हिफाजत चीते से करता है, तेंदुए से करता है और बहुत ज्यादा जानवरों से करता है, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं, खतरनाक है, ये नुकसान पहुंचा सकता है ब्रीडिंग के मौसम में। खास तौर पे घर में पाला हो तब थोड़ा बहुत बंदे को अंदाजा होता है कि ये हमले के मूड में है, और जिसे ये डर जाता है उसके ऊपर ये हमला भी नहीं करता। तो ये खूबसूरत परिंदा आप मेरे पास देख सकते हैं, इसका शौक आग भी कर सकते हैं, पर ब्रीडिंग के मौसम में ये थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। फीमेल्स तो नहीं होती पर मेल्स खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अभी सदाम भाई डर रहे थे इससे कि ये फाइट करेगा, तो इसके मुंह में कोई दांत दूंत नहीं है, इसकी मुर्गे की तरह चोंच नुकीली नहीं है, तो इसकी बाइट से कुछ भी नहीं होता। बहुत खूबसूरत परिंदा है ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अच्छा आपने हम हैचरी भी देख ली है, उसमें बच्चे निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी बड़ी हैचरी लगी हुई है, अंदर 3-4 मशीनें हैं, तो उसके अलावा ऑस्ट्रिच के या अपने बड़े ब्रीडर भी देख लिए हैं जो हमारे पास इस वक्त स्टॉक में मौजूद है। उसके बाद छोटे बच्चे भी आपने देख लिए हैं जो 3 से 4 मंथ वाले हैं, 2 मंथ वाले हैं, 1 मंथ वाले हैं, ये 1 मंथ से छोटे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कितने दिन के हैं? ये तकरीबन 15 से 20 दिन के दरमियान सर। ये काले वाले नर है ना? ये काले नर है, ब्राउन जो सी है ये माता है, तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है इस वक्त बच्चे। जिस भाई को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं एज ए शॉप के लिए, बड़े भी चाहिए बड़े भी मिल जाएंगे, छोटे भी चाहिए बच्चे मिल जाएंगे, जो भी पसंद करता हो या उसको लेने चाह रहा हो तो हमारे सेटअप पे आ जाए। हमारा नंबर है 03217997005 हमारा नंबर है, तो इस नंबर पर आप रब्ता करके हमारे सेटअप पर आके जो भी बर्ड्स आपको पसंद हो पसंद कर ले, फिर इधर आपको फाइनल करके हम मेल और फीमेल का पेयर दे देंगे। अगर आपको शौक के लिए चाहिए तो वो आपको पेयर मिल जाएंगे, 2-3 पेयर मिल जाएंगे, या ट्रायल सेट के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत मजा आया देख के। और अभी कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इसको? जी हम ये इधर साथ इतने दूर शिफ्ट कर रही है, पास ही इधर हमने ले लिया लैंड, वहाँ हम इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। कितनी जगह ली है अभी यहाँ? कितनी जगह? 2 एकड़ ली है। 2 एकड़ वहाँ इसका सारा सेटअप नए सिरे से बनाया गया, इंशाल्लाह ताला वहाँ एंटर करेंगे। ये पहले भी 2 एकड़ ही थी ना? पहले अबाउट से 2 एकड़ थे, ये पूरे 3 एकड़ थे। अच्छा अच्छा, चले अल्लाह ताला आपके आसानियाँ पैदा करें जहाँ जा रहे हैं। बाकी यार इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलामुअलैकुम।